वेलकम बैक स्टूडेंट एट दिस ट्यूनिंग सिस ड्राइंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये आलेखन कलर करके दिखाऊंगी। सो ये है मेरा 20 रुपीज़ वाला वाटर कलर जो कि डोम्स का है। मुझे एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि आप वो 20 रुपये वाले कलर से करके दिखाइए। सो आज वही कलर मैं करूंगी, 20 रुपये वाले डोम्स कलर का यूज़ करेंगे और इस आलेखन को हम कंप्लीट करेंगे, मतलब आलेखन को कलर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है, वही डिब्बे वाले कलर से लिया है यार, ऐसा शक मत करना है कि कोई और कलर है, वो डिब्बे वाला ही कलर है। और यहाँ पे देखो मैंने क्रीम कलर डाला है, वही डिब्बे वाला, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हाँ वैसे ये अच्छे से मिक्स होता तो नहीं है, अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो ये अच्छा सा होगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है, मतलब मिक्स करना है बहुत अच्छे से। सो मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा पानी डाल डाल के जितना आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, अब इतना ओके है। सो ये मैंने डार्क ग्रीन कलर और क्रीम कलर का मिक्सचर बनाया और फिर मैं इसे बेस में फिल कर रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर का ब्रश यूज़ किया है बेस में कलर को फिल करने के लिए। आप चाहें तो वो एक और इससे छोटी पतले नंबर की ब्रश आती है वो भी ले सकते हैं, बट ये सफिशियंट रहता है बेस में कलर को फिल करने के लिए। सो इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से इवनली अपने बेस में कलर को फिल कर देना। इवनली मीन्स ये है कि बहुत सामान्य दिखना चाहिए आपका, सामान्य मतलब इक्वल दिखे, कहीं पर ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कलर लगा है कहीं पे कम कलर लगा है। तो मेक श्योर जब भी आप कलर करें और आप मतलब बेस में कलर फिल कर रहे हो, क्योंकि पता है जब भी हम आलेखन बना रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस ही हमारा दिखाई देता है, तो मेक श्योर बेस में कलर काफ़ी अच्छे से फिल होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपका बेस अगर अनइवन हुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बेस ही डालता है। सो यहाँ पे बेस में जो कलर फिल कर रहा है वो भी प्रॉपर फिल होनी चाहिए, मतलब बराबर फिल होना चाहिए, जहाँ पे मतलब इक्वल स्ट्रोक आने चाहिए, ना ही ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा कलर डालो ना ही कम कलर डालो। और जब भी आप कलर कर रहे हो और जैसे जैसे ब्रश में कलर खत्म हो जाते हैं तो आप उसी ब्रश को आगे की ओर मत खींचो, तुरंत न्यू कलर ले लो, मतलब न्यू कलर मतलब कि कलर जहाँ बनाओ उसमें अपने ब्रश को डिप कर लो, डुबो लो, फिर कलर करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है ऐसे कलर करते हुए कि उनके ब्रश में कलर खत्म हो गई रहती है, हल्का हल्का बचा रहता है तो भी वो करते रहते हैं। सो ऐसा मत करो आप, ओके। सो यहाँ पे देखो मैं जो हमारा जीनिया है उसमें मैं यहाँ पे क्रीम कलर फिल कर रही हूँ। क्रीम कलर इसलिए फिल कर रही हूँ, थोड़ा आप अभी आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना था जीनिया को ऑरेंज कलर और मैंने सोचा कि हर बार तो ऑरेंज से डायरेक्ट करते ही हैं तो इससे बढ़िया क्यों ना एक बार डिफरेंट टेक्सचर लेके किया जाए, क्योंकि हमें करना था कलर 20 रुपये वाले कलर से, ठीक है, मतलब 20 रुपये वाला जो वो डोम्स का कलर आता उससे कलर करना था। सो इफेक्टिवली कलर कैसे किया जाए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार और कैसा आइडिया लगा करके इसको अच्छा किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पेटल्स में क्रीम कलर को फिल कर दिया, इसके ऊपर से मैं कलर फिल करूँगी, बट अभी आप देखते रहो। सो यहाँ पे सारे पेटल्स में आपको, क्योंकि मैं एक साथ ही सारे पेटल्स में इसलिए कलर फिल कर रही हूँ क्योंकि एक बार कलर अगर निकाल लिया है ब्रश में लग गया है, फिर अगर एक ही पेटल कर दूंगी, एक ही फूल कर दूंगी, फिर दूसरे में भी तो वही करना पड़ेगा। इसलिए अभी एग्जाम में ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ना समय बचाने के हैं। जब भी आप बेस में कलर फिल कर रहे थे तो वह ध्यान से करो कि आपका बेस बिल्कुल भी खराब ना हो, एक ही बार में बेस में कलर अच्छे से फिल हो जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बेस में कलर फिल होता है फिर गंदा दिखता है, फिर से उसी के ऊपर कलर डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि बेस भी बहुत मोटा दिखने लगता है और अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर आप ध्यान रखो इस चीज का, एक बार में ही चीजों को अच्छे करने का ट्राई करो। यहाँ पे मैंने देखो अभी बिल्कुल हल्का सा रेड कलर निकाला, वो भी डिब्बे वाला ही है, ऐसा मत सोचना कोई और निकाला। देखो यहाँ से येलो कलर लिया और जाके इसमें मिक्स कर दिया, तो अभी आप देखो रेड कलर की कंसिस्टेंसी और येलो कलर की कंसिस्टेंसी कम है, बिल्कुल कम है, मतलब रेड कलर की कंसिस्टेंसी कम थी और येलो कलर ज़्यादा था। तो इसी तरीके से आपको कलर बनाने हैं और आपको अच्छे से मिक्स करना है गाइज, ठीक है। ये मत सोचना कि वो जो ट्यूब वाला आता है हल्का सा मिक्स किया हो गया, क्योंकि वो अच्छा कलर रहता है और जल्द ही मिक्स हो जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा इशू होता है, जल्दी मिक्स नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है तभी आपका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी आएगी और कलर भी अच्छा से मिक्स होकर के अच्छा से बनेगा। तो अभी आप देखो ये हल्का ऑरेंज कलर बना है और हम साइड साइड में इसको आउटलाइनिंग के तौर पर आउटलाइन कर देंगे अपने सारे जो भी है हमारा पेटल्स। तो यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया गया है वो है 000 नंबर का ब्रश है। ये बहुत सारे बच्चे मुझसे पिछले साल पूछ रहे थे कहाँ से लिया कैसे लिया, यार ये मेरे घर के पास ही मिलता है, मैंने कोई ऑनलाइन नहीं लिया है, बट हाँ मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो ये ब्रश मिल रहा है ऑनलाइन। तो आपको, तो अगर आपको बहुत नीड होगा तो मैं इस ब्रश का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बहुत ईजी है, अमेजोन पर मिल जाएगा और आप भी वहाँ से बाई कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बेसिकली वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। सो ये हो गया, हमारे सारे पेटल्स कलर हो चुके हैं, मतलब आउटलाइन हो चुके हैं।
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, मतलब वही है कि थोड़ा टचअप देना होता है कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। सो आउटलाइनिंग फिनिश हो चुका है, अब बारी है इनर शेड की। तो मैंने वो 3 नंबर वाला ब्रश लिया है और उसमें हल्का सा पानी लगाना है और जो हमारा आउटलाइनिंग था ना उसी में से हल्का हल्का कलर अंदर की ओर स्प्रेड कर लेना है। बट हाँ, वो भी आउटलाइनिंग की तरह ही होना चाहिए, अभी यानी कि पूरा फैला दिया है पेटल्स में, तो ऐसा ना करना। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप हल्का सा ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं अपने ब्रश में और उसे से फैला सकते हैं आउटलाइन की तरह ही बिल्कुल। ओके, तो इससे क्या होगा, 2 शेड आ जाएंगे, एक तो आउटलाइनिंग का और ये इनर शेड है। ठीक है, तो इनर शेड हमारे फ्लावर को काफ़ी अच्छे से इन्हांस कर देता है। तो आप लोग को मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में भी दिखाया है और बहुत अच्छे से इनर शेड के बारे में बताया है कि कैसे इनर शेड दिया जाता है और ये क्यों देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं और ये यहाँ पे डिस्कस करना उतना मैटर भी नहीं लगता। सो यहाँ पे मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग देने के लिए, आप वही डिब्बे वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, वो नहीं कि उसमें मतलब डिब्बा खोला, ब्रश डुबोया और चल दिए शेडिंग करने, ऐसा नहीं। जो हमारा शेडिंग वाला स्ट्रोक होता है, मतलब शेडिंग करने के लिए जो हमारी कलर की कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी पतली होनी चाहिए। मतलब अभी इतना भी पतला नहीं कि उसमें पूरा पानी बहने लगा है, ठीक है, इतनी पतला होना चाहिए कि हाँ ब्रश में जब ब्रश डुबा के उठाएं तो ब्रश में वो कलर लगा हुआ होना चाहिए और चूहे ना कलर, मतलब ब्रश उठाते ही कलर चूने लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना गीला करो कि बस ब्रश में लग जाए। और ये तो हो गई बात आउटलाइनिंग और शेडिंग की। और ये जो कलर मैंने भी बनाया है वो पैरेट के लिए बनाया था, तो मैं तो वीडियो तो आगे भाग गया, आपको शेडिंग के बारे में बताते रह गए, तो अभी ये पैरेट के बारे में बताती हूँ। पैरेट कलर जो मैंने बनाया है वो लाइट ग्रीन और येल्लो का मिक्सचर है। यहाँ पे वही लाइट ग्रीन जो आपके डिब्बे में आता है, मतलब डिब्बे वाला कलर जो रहता है उसमें का ही लाइट ग्रीन और येल्लो मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना, बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना और फिर तभी उसको सारे अपने पैरेट में स्प्रेड करना। ठीक है, तभी आपका कलर अच्छा लगेगा, मतलब कलर तो अच्छा बनेगा ही और आलेखन भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखो, क्योंकि एक बार अगर आलेखन बिगड़ गया एग्जाम में तो आपको दोबारा शीट नहीं मिलता, एक ही शीट मिलती है, एक ही ड्राइंग शीट मिलेगी, उसी में अच्छा बनाना है तो अच्छा बनाओ, खराब बनाना है तो खराब बनाओ, उन्हें मैटर नहीं करता कि आपका शीट कैसा हो, मतलब आपका ड्राइंग कैसा लग रहा है, मैटर तो आपका है ना, एग्जाम में कम नंबर आपको मिलेंगे। सो ये था पैरेट। पैरेट में मैंने आउटलाइनिंग के लिए रेड कलर यूज़ किया है, आप चाहते तो ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते थे बट मुझे रेड का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वैसे अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ अपना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से बच्चे होता है कि चलो इस बार तो इन्होंने इस कलर का किया, मैं दूसरा कलर का कर लेता हूँ। बच्चे देखो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना अच्छी बात है बट आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है वो मैटर करता है। तो मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए, मतलब मेरे चैनल पे आप देखोगे तो 100+ वीडियोस अपलोडेड है, आई थिंक अप्रॉक्स 200 वीडियोस अपलोडेड है। तो उन 200 वीडियोस बनाते, मतलब वो ड्राइंग्स बनाते मैंने, मुझे इतना तो हैबिट हो ही गया है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ जाएगा तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। मेक श्योर आप भी इस बात का ध्यान रखना। वैसे आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड खुद ब खुद आपको इंडिकेट करता है कि ये कलर इसके साथ जाएगा तभी अच्छा लगेगा। सो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़। तो मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं कि नहीं आप कॉम्बिनेशन नहीं चूज़ करते, आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, घर से डिसाइड करके जाना कि आपको कौन सा कलर किस कलर के साथ फिल करना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में सोचने लगे तो 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे में समय ख़त्म, एग्जामिनर कॉपी लेके जाएगा और आपका ड्राइंग नहीं बनेगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर चीज़ों का ध्यान रखो, घर पर खूब सारी प्रैक्टिस करो तभी ड्राइंग में अच्छे नंबर आएंगे और आपका परसेंटेज भी अच्छा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी पैरेट में हल्का सा येलो का टचअप दे रही हूँ क्योंकि येलो जो है ना हमारे पैरेट में थोड़ा शाइन लाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ही पैरेट ग्रीन कलर का हो गया था। तो थोड़ा सा शाइन लाने के लिए मैं साइड में येलो कलर को ऐसे वो जो 000 वाला ब्रश होता है उसमें ले करके ऐसे साइड में थोड़ा सा लगाया है। ठीक है, तो आप भी लगा सकते हो या फिर नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट हाँ अगर आप अच्छा करना चाहते हो थोड़ा सा तो कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई हमारे पैरेट की, अभी आएंगे डंडियों पे, फटाफट पहले ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे, वीडियो भगाते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। मेक श्योर चीज़ों को ध्यान रखो और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा करो। ठीक है, ऐसे भगा के देखोगे तो आपको सच में समझ नहीं आएगा, फिर बाद में मुझे कॉमेंट करोगे कि आपको मतलब आप समझ नहीं पाए। तो वही है, ध्यान से देखो और समझो, और फिर ना समझ में आया तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ और भी बहुत जगह पे हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ, आप कहीं भी मुझसे मिलकर मतलब मुझसे बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अपनी ड्राइंग के बारे में, बस हाँ ड्राइंग के बारे में, अदर किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं। तो ये मैं जो कलर अभी फिल कर रही हूँ वो डिब्बे वाला ही ब्राउन कलर है, अभी आपने देखा मैंने आपको डिब्बा दिखाया था।
सो यही डिब्बे वाला ब्राउन कलर है। और मैं आप यही सोच रहे होगे ना कि ग्रीन कलर क्यों नहीं फिल गया, तो अभी आप देख ही सकते हो कि ग्रीन कलर इसलिए नहीं फिल गया ना बाबू, क्योंकि हमारा बेस में ही ग्रीन कलर था। तो बेस में ही ग्रीन कलर है तो आप डंडियों में ग्रीन कलर फिल करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए हमें नेक्स्ट मतलब एक्स्ट्रा दूसरा शेड लेना पड़ता है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये मत सोच लेना कि तीन कलर्स एक्स्ट्रा कलर हो गया है, ये तीन कलर ही हैं, एक ब्राउन कलर है, एक ऑरेंज एंड रेड है और एक ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये तीन कलर ही हैं, ठीक है। ऑरेंज हाँ रेड कलर की कैटेगरी में ही आता है, अब ये मत सोचना कि ऑरेंज और रेड अलग अलग है। तो जैसा कि एग्जाम में आता है कि तीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ करिए, और वो भी हाँ सुमेलित तरंग होने चाहिए। सुमेलित तरंग का मतलब होता है कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक इकाई में होना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो एक इकाई का मतलब है एक साइड से ही निकला हुआ, एक इकाई में ही है और तीन रंग भी है। तो ये वाला जो आलेखन है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट आलेखन है। आप इस आलेखन को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने इसको बना के दिखाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि पैरेट मतलब जीनिया के आलेखन में एक पैरेट को बनाइए, मतलब तोते को बनाइए। तो यही है जो मतलब मैंने बनाया है और आपको कलर करके दिखा रही हूँ। सो मैंने इसकी बनाने वाला वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, और ये कलर करने वाली वीडियो है। ये देखो ये जो कलर मैं बना रही हूँ ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर है, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो वाइट वाइट शेड बचे हैं उसमें फिल करना है और आउटलाइनिंग करनी है हमारे डंडियों की और कलियों की, कली सॉरी पत्तियों की, ठीक है। सो ये कलर ज़्यादा बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखना कि ज़्यादा ब्लैक कलर मत मिक्स करना अपने ब्राउन कलर में, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक कलर मिक्स करोगे तो आपका ब्राउन कलर ही एकदम डार्क ब्राउन नहीं फुल ब्लैक कलर बन जाएगा। तो मेक श्योर इस चीज़ों का ध्यान रखो, फुल ब्लैक कलर बनाने से अच्छा है कि थोड़ा ही ब्लैक कलर मिक्स करो और ब्राउन का डार्कर शेड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका मतलब कलर भी अच्छा बन जाएगा, आउटलाइनिंग भी अच्छी हो जाएगी और आलेखन भी अच्छा दिखेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, और एग्जाम में मेक श्योर प्लीज़ अब घर से ही प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि वहाँ पर हमें पास टाइम नहीं रहता। दो शेडिंग बनाने हैं, आलेखन बनाने हैं, कितना सारा टाइम लगेगा। तो तीन घंटे ही मिलते हैं और वो तीन घंटे सभी के लिए इक्वल होते हैं, आपको एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो घर पे ही खूब सारी प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियोस से जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछो, आप अगर फेसबुक पे हो तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप ट्यूनिंग सिस ड्राइंग एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ भी मैं मिल जाऊँगी आपको, और टेलीग्राम पे भी और फेसबुक अरे इंस्टाग्राम पे भी, तो हर जगह है हम लोग, आप जहाँ चाहें हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वहाँ पे भी और फॉलो कर लीजिएगा हमें, और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी आपकी चॉइसेस हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करी, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा मतलब आउटलाइनिंग हो गया है, और आपको अगर यहाँ पे आउटलाइनिंग के लिए ब्रश पूछोगे तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर वाला ब्रश यूज़ किया है, बट हाँ आप 000 वाला यूज़ करना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ड्राइंग्स बना रही हूँ तो मेरी उतनी हैबिट बन गई है कि मैं 3 नंबर वाले ब्रश से भी अच्छी आउटलाइनिंग कर लेती हूँ। तो आप 3 नंबर वाला ब्रश नहीं, आप 000 वाला ब्रश ही यूज़ करना, क्योंकि अभी आप मतलब मैं इसे ये वाली बात बता रही हूँ क्योंकि अभी कोई बच्चा मुझे ज़रूर कमेंट करता और कहता कि आपने तो 3 नंबर वाले ब्रश यूज़ किया आउटलाइनिंग के लिए। तो देखो कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्रश का नंबर मैटर नहीं करता, बट आप ब्रश यूज़ करके कैसा आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब कैसे आप कर पा रहे हो, क्या अच्छा कर पा रहे हो। अगर आप किसी मतलब किसी ज़्यादा मोटे वाले ब्रश से भी पतली आउटलाइनिंग कर पा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है, आप वही ब्रश यूज़ करो। बट हाँ ये सारे कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं ब्रश के, ये वाला ब्रश इस वर्क के लिए है, ये वाला इस वर्क के लिए, वही सारी चीज़ें हैं कि आप कैसा आपका आउटपुट आ रहा है जिस भी ब्रश का आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप मतलब अगर बिगनर हैं तो आप उन्हीं नंबर्स वाले ब्रश का यूज़ कीजिए जिसके लिए उसे बनाया गया, दैट इज़ 000 को आउटलाइनिंग के लिए बनाया गया, तो आप आउटलाइनिंग के लिए 000 को यूज़ कीजिए, और बेस में फिल करने के लिए 3 नंबर के ब्रश को बनाया गया तो आप 3 नंबर का ब्रश यूज़ कीजिए। ये सारे ब्रशेस के नंबर्स, अगर आपको ब्रशेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी, बट अगर आपको पता है तो उसे भी काम चला सकते हैं। वैसे स्कूल्स में तो बताए ही जाते हैं, और आपकी स्कूल्स भी अच्छे चल रहे होंगे, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर में रहिए, वायरस ज़्यादा फैल रहा है तो मेक श्योर आप घर में ही रहिए और घर से ही प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ जाना है, घर में ही तो रहना है, घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको वीडियो मिल जा रही हैं, आपके पास पेज है, पेन है, पेंसिल है, उठाइए और शुरू हो जाइए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। तो आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में बिना प्रैक्टिस किए मत जाइएगा, एग्ज़ाम के पहले 2-3 बार बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके पहले भी तो बहुत टाइम है, और आप अभी प्रैक्टिस करते ही रहिए, क्योंकि जनवरी का महीना है और आप समझ भी सकते हैं कि हो सकता है फरवरी या मार्च में आप लोग के एग्ज़ाम्स हो जाएं। तो
इस फेयर में मत रहिएगा कि वायरस से एग्जाम्स नहीं होंगे, बट हाँ एग्जाम्स हो सकते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसमें भी बच्चों ने बहुत मेहनत किया था। मेरे टेलीग्राम पे जो बच्चे जुड़े थे वो उनसे बहुत हेल्प ले रहे थे, बिल्कुल भी प्रॉपरली, वो कलर भी मंगाए ऑनलाइन, उन्होंने ब्रशेस भी मंगाए मुझसे पूछ पूछ कर कौन सा मंगाना है कौन सा नहीं मंगाना, उन्होंने मैंने होमवर्क्स दिया, उन्होंने होमवर्क भी कर करके दिखाए, बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने ड्राइंग बनाया था। तो अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली बातें करना चाहते हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, बट हाँ ड्राइंग से रिलेटेड, बिल्कुल मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ड्राइंग से रिलेटेड ही मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ओके सो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। सो ये है यहाँ पे आउटलाइनिंग, मतलब जो हमारा सर्कल है, सर्कल की आउटलाइनिंग के लिए ट्रिपल जीरो नंबर वाली ब्रश को यूज़ किया गया है, और मैं चाहती तो 3 नंबर का भी कर लेती बट फाइन लाइंस चाहिए होते हैं, तो फाइन लाइंस के लिए हम 000 नंबर का ही ब्रश यूज़ करते हैं फाइन लाइंस के लिए, ठीक है। और ये जो आउटलाइनिंग का कलर है वो मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, तो आप चाहते तो डार्क ब्राउन कलर जो मैंने बनाया था वो भी आप यूज़ कर सकते थे, तो बट मुझे ऐसा लगा कि ब्राउन कलर ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए रेड कलर करना चाहिए, तो रेड कलर भी इसके साथ काफ़ी खिल रहा था तो रेड कलर कर दिया, और ये अच्छा भी लग रहा है। तो आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आलेखन कैसा लगा, और जिन भी बच्चे का ये रिक्वेस्ट था तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आपकी रिक्वेस्ट आपको अच्छी लगी, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया था। सो और भी आप चाहे तो ये वाली वीडियोज़ देख सकते हैं, अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर अपलोड हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।